राइडर और राजा का वफादार घोड़ा लड़ते हुए दोनों खाई में गिर जाते हैं। राइडर जैसे तैसे शाही घोड़े को चकमा देकर और रानी का ताज लेकर वहाँ से दूर भाग जाता है। तभी उसे सामने एक मीनार दिखाई देती है। सैनिकों से बचने के लिए वो उस मीनार पर चढ़ जाता है, लेकिन रूपांजल उसे देखकर डर जाती है। वो पीछे से आकर उसके सर पर तवा मार देती है। फिर राइडर को अलमारी में बंद कर वो कहती है, मैं माँ को बताऊंगी कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं किसी को भी मार सकती हूँ। फिर चुड़ैल गौथेल जब वापस आती है तो रूपांजल उसे मीनार से नीचे उतरकर बाहर घूमने जाने को कहती है, लेकिन गौथेल उसे डांटकर मना कर देती है। उसके जाने के बाद रूपांजल राइडर को अपने बालों से बांधकर उससे एक सौदा करती है। वो उसे एक ही शर्त पर छोड़ेगी और ताज भी तभी लौटाएगी जब वो उसे बाहर की दुनिया घुमाएगा। राइडर समझ जाता है कि ये पापा की परी पागल है और कुछ भी कर सकती है, इसलिए समझदारी दिखाते हुए वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद रूपांजल राइडर के साथ पहली बार उस मीनार से बाहर निकलती है। लेकिन आगे ये पागल लड़की राइडर के लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी करती है जानेंगे ये हम पार्ट 4 में, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा।